सो हे गाइस, आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है हमारे पास कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए देख रहे हो तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा जिसमें मैं बता चुका हूँ कि इसको एकदम ही शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो टेकिंग LHS, पहले LHS साइड लेंगे ना, तभी तो RHS वाला प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग LHS गाइस क्या हो जाएगा, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। गाइस इसमें आप देख सकते हो कि हमें cos 60 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2। सो गाइस हम इसको आगे लिख देंगे 1/2, अंदर क्या हो जाएगा, cos 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री एंड कॉस 80 डिग्री। गाइज अभी हम इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि होती है 2cos A cos B। तो उसको यूज़ करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। गाइज ये कर लिया हम लोगों ने 1/4 एंड इसको अंदर लिख लेते हैं कॉस 20 डिग्री, कॉस 80 डिग्री एंड ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे कॉस 40 डिग्री। गाइज जब भी इसमें आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो आप देखोगे 2cos A cos B। फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस 20+80 100 डिग्री एंड प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 20-80 कॉस -60 डिग्री। ब्रैकेट का बाहर क्या आ जाएगा गाइज, कॉस 40 डिग्री। गाइज अभी क्या करेंगे कि 1/4 यहाँ पे अभी करेंगे कॉस 100 डिग्री एंड प्लस गाइज ये होता है कॉस -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 एंड कॉस 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। अभी गाइज 2 का LCM लेंगे एंड कॉस 40 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 2cos 100 डिग्री, कॉस 40 डिग्री एंड प्लस कॉस 40 डिग्री। अब पाउंड में कितना आ जाएगा गाइज, 2 आ जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, 1/8 एंड यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो अगेंस्ट फार्मूला लगा सकते हैं 2cos A cos B कॉस 100 कॉस 40 में, तो यहाँ पे लगा देते हैं कॉस 100 प्लस 40 140 डिग्री एंड कॉस प्लस कॉस 100-40 60 डिग्री प्लस यहाँ पर कॉस 40 है। गाइज ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/8, इसको आगे लिख लेंगे 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू, ये हो जाएगा प्लस कॉस 140 डिग्री एंड प्लस कॉस 40 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा अंदर इसका लगेंगे 1/8 1/2। गाइज यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, जो कि होता है हमारे पास 2cos C + D/2 cos C - D/2। ये क्या हो जाएगा 2cos 140+40/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 140-40/2। गाइज ये हो जाएगा हमारे पास 1/8, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 प्लस 2cos 90 डिग्री 180/2 90 डिग्री कॉस, ये हो जाएगा 100/2 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा गाइस, अभी देखेंगे 1/8 ब्रैकेट में 1/2 एंड प्लस गाइस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। गाइस यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड अभी आप देख सकते हो 1/16 जो कि हो गया हमारा आंसर। गाइज अगर आपको देखना है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 डिग्री का सोल्यूशन, तो वो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आपसे क्लिक करके देख सकते हो। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक करो। थैंक यू।